तीन ऐसी मिस्टेक्स जो आज भी बहुत से लोग करते हैं, जो लोग अभी जिम में नई नई एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं या जो लोग काफी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लोग भी इन गलतियों को कर देते हैं और इन गलतियों को कोई बताता भी नहीं है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हर कोई करता है और जो बहुत ही कॉमन है लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हमारी बॉडी के लिए। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So, सबसे पहली मिस्टेक है जो मैंने नोटिस करा है जो आज भी लोग करते हैं अपने वर्कआउट में, कि वो ओवर ट्रेन कर लेते हैं अपनी बॉडी को। ओवर ट्रेन करने का मतलब कि वो एक ही मसल को दो बारी ट्रेन कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपने आज बाइसेप्स की एक्सरसाइज करी है तो आपको इसको रेस्ट देना बहुत जरूरी है, पर जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं वो क्या गलती करते हैं कि अगले दिन ही सेम बाइसेप्स की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। स्टडीज में बताया गया है कि अगर आप आज बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 72 आवर्स का गैप देना चाहिए दोबारा से बाइसेप्स की एक्सरसाइज करने के लिए। लोग यही गलती करते हैं कि उन्होंने आज बाइसेप्स की एक्सरसाइज करी है, वो फिर दोबारा से कल भी बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर लेंगे, बट ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप कल कोई दूसरा वर्कआउट कर रहे हो जैसे कि बैक, या फिर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे ना, तब भी आपका बाइसेप्स में इफेक्ट आएगा। तो आपको बाइसेप्स को रेस्ट देना चाहिए, वो भी 72 आवर्स का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद 72 आवर्स का रेस्ट एटलीस्ट दो अपने बाइसेप्स को या किसी भी मसल को। उससे क्या होगा कि वो ओवर ट्रेन नहीं होंगे, क्योंकि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये हमारी छोटी मसल्स होती है, और अगर आप कोई दूसरी एक्सरसाइज करते हो जैसे कि चेस्ट या बैक तो वो उससे भी पंप होती है, तो इसलिए ये बहुत आसानी से ओवरट्रेन हो जाती है, और अगर हम इसको रोज के रोज परफॉर्म करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हमारी मसल्स के लिए। तो हमेशा 72 आवर्स का गैप जरूर दे। दूसरी मिस्टेक जो मैंने नोटिस करी है जिम्स में, कि जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो वेट काफी हैवी उठाते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हैवी लिफ्टिंग उन्हीं लोगों के लिए ठीक है जो काफी प्रोफेशनल होते हैं। आप इतना हैवी वेट उठाओगे और आपकी मसल्स में पंप ही नहीं आ रहा तो इतना हैवी लिफ्टिंग करने का फायदा क्या है? ना तो आपने डाइट पे फोकस किया, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी है कि अगर वो हैवी लिफ्ट करेंगे तभी उनकी मसल्स ग्रो होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मीडियम वेट भी उठाओगे तब भी आपकी मसल्स ग्रो हो सकती है, मेन चीज होती है डाइट, और लोग डाइट पे ध्यान नहीं देते, लोग ध्यान देते हैं हैवी लिफ्टिंग पे। ज्यादातर केसेस में मैंने नोटिस करा है कि हैवी लिफ्टिंग में उनकी जो पोजीशन होती है एक्सरसाइज करने की वो भी खराब हो जाती है, ना तो उनकी मसल्स में पंप आ रहा होता है और ना ही उनकी मसल्स ग्रो हो रही होती है। एक ही चीज मिलती है उनको, वो है सोरनेस, यानी कि बदन का टूटना। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हैवी वेट ना उठा के मीडियम वेट उठाइए। अगर आप बहुत अच्छे से डाइट ले रहे हैं तब तो आप उठा सकते हैं हैवी वेट, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में कमी है तो आप मीडियम वेट उठाइए, उसमें भी बहुत बढ़िया पंप आएगा, मसल गेन्स होने में भी मदद मिलेगी। तीसरी मिस्टेक जो मैंने नोटिस करी है कि जो लोग बिगेनर्स होते हैं वो एक्सरसाइज करने आते हैं एम्प्टी स्टमक, मतलब बिना कुछ खाए एक्सरसाइज करने आ जाते हैं, और उससे क्या होता है उनकी एक्सरसाइज तो हो जाती है लेकिन उनको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ना तो वो एक्सरसाइज करने से पहले कुछ डाइट लेकर आते हैं और ना ही वो एक्सरसाइज करने के बाद कोई प्रोटीन डाइट लेते हैं। उसमें सिर्फ आपका शरीर टूट रहा है, फैट लॉस तो हो जाएगा आपको, लेकिन अगर जिन लोगों को बल्क करना है या जिन लोगों को साइज गेन करना है तो उन लोगों के लिए ये बेकार है। एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज तभी करनी चाहिए जब आपको फैट लॉस करना हो, या तो आपने कोई सप्लीमेंट ले रखा है जैसे कि सिट्रोलाइन मैलेट, तब आपकी मसल्स में आपको चेंजेस दिखेंगे। लेकिन अगर आप खाली पेट आ गए हो बिल्कुल ही कुछ खाए बिना और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका मसल साइज बढ़ जाए तो वो भी बेकार है। तो डाइट सबसे मेजर रोल प्ले करती है मसल साइज गेन करने के लिए, चाहे फैट लॉस करना हो चाहे मसल गेन करना हो। ये तीन कॉमन मिस्टेक्स है जो मैंने नोटिस करी है आज भी लोगों के शेड्यूल में। लोग एक्सरसाइज वगैरह तो करते हैं लेकिन ये मिस्टेक्स भी उनके साथ साथ चलती रहती है। सो मैं एक बारी दोबारा से रिपीट कर देता हूं, किसी भी मसल की आपने एक्सरसाइज करी है उसको दोबारा परफॉर्म करने से पहले 72 घंटे का गैप देना जरूरी है, उससे आपकी मसल को रेस्ट मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये था कि आपको जरूरी नहीं है कि हैवी लिफ्टिंग ही करनी है, आप मीडियम लिफ्टिंग भी करेंगे तब भी आपकी मसल्स ग्रो होगी। हाँ, अगर आपने डाइट अच्छे से ली है तो आप डेफिनेटली हैवी लिफ्टिंग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि अगर आपको मसल साइज गेन करना है और आप खाली पेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आप अपनी डाइट पे जरूर ध्यान दीजिए। सो अगर आप एग्री करते हो मेरी इस बात पे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू भी बता सकते हो, चाहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मेरी आईडी आपको शो होगी, आप मेरे को वहां पे फॉलो भी कर सकते हो मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को लेकर इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।